और एक मान ले तो फिर रफिंग फिनिशिंग करना पड़ता, कॉर्नर फिनिशिंग के लिए रफिंग फिनिशिंग करना। इसके भी क्वार्टर सेम ले लेंगे। टूल लास्ट हम कौन सा टूल में कर दिया वो टूल डिफॉल्ट इधर आ जाता, हम चेंज करना नहीं तो फिर ऐसा कर दिया तो चेंज नहीं कर तो वो टूल में प्रोग्राम क्रिएट हो जाता। बड़ा में क्रिएट करके छोटा कर चलाए तो प्रॉब्लम नहीं, छोटा में क्रिएट करके बड़ा चला देते हो रिजल्ट होता, वो देखना पड़ता कंपल्सरी टूल आके देखना पड़ता यहाँ से। लिमिट हमारा सेम वैसे रख देंगे, करना पड़ा उसका उसका ऑप्शन सेम है। इसमें क्या खाली सब कुछ ऑप्शन सेम है लेकिन उसका कटिंग जो है वो अलग रहता, खाली कटिंग का जो मेथड है ना वो अलग रहता। ये अभी इधर दो ऑप्शन आ रहा था, ऑटोमेटिक और अलॉन्ग स्टिच वो आ रहा था इसका, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत स्टीप साल है, एक ही ऑप्शन है। इसका अलग था इधर, इसका नहीं है। टूल हम रिटर्न टूल वही रखेंगे, ओवरलैप इधर पॉइंट टू रखेंगे, पॉइंट टू रखे तो ठीक है, उसमें पॉइंट टू रखे तो ना जीरो करेंगे, जीरो रखे तो पूरा डायरेक्ट कितना करना रहे उधर से चालू होता है, अगर पॉइंट टू रखे तो थोड़ा बाहर से चालू होता। अलर्ट कर दिया ना, डायरेक्ट ऐसा आ गया। ये देखो कैसे चल रही, ऊपर से चला बाहर से चला, ये देखो दोनों का सेम आ रहा है लेकिन इसका क्या है थोड़ा टूल पथ अलग टाइप आता है। हाँ टच होता, ये टॉप रेडियस टच नहीं होता क्योंकि वो फिनिशिंग कर देता ना दूसरा कटर, वो टच नहीं होता। स्कोर रेस्ट कौन सा है वो उतना एरिया में टच होता। अभी इसमें थोड़ा क्या टॉलरेंस में थोड़ा कम करता, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा कम करता, ये जो है ना ये थोड़ा नहीं आता, टॉलरेंस बराबर है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर एकदम ठीक, और भी थोड़ा टॉलरेंस इसमें कम करना होगा। एंगल है इसमें देखो, उसमें क्या 30 डिग्री रखे तो छोड़ रहा था, अभी नहीं छोड़ रहा पूरा करता। और इसमें दो ऑप्शन है, ये सेपरेट जो है ना मैक्सिमम मैक्सिमम पास कितना पास दिया था उतना पास रन होता। ये क्या ऑटोमेटिक क्रिएट होता, ये तो पास कितना होना उतना होता, नंबर ऑफ पास कितना है। डेप्थ भी थोड़ा ये कम कर रहा था, ये भी और थोड़ा कम होता, इसको एक बार से इसको ऑन करके देखें।
इसको खाली ऑन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। वो ऑन करे तो थोड़ा क्या आ रहा है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम, इधर थोड़ा ऐसा आया, और इधर थोड़ा ये जो कॉर्नर है ना उधर थोड़ा ऐसा कटिंग आ रहा है। एक बार उसका सिमुलेशन करेंगे। ऑन नहीं करेंगे जो स्टेज। इधर क्या फंक्शन है? इधर से ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहे, अलग 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 उसको रनिंग होता। ज़्यादा कर देंगे, टाइम लगता है। ये इसको ऑफ कर देंगे, वही कैलकुलेट। प्रैक्टिस करने के टाइम क्या होता है, ये ऑप्शन सब एक 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 ऑन करके एक एक प्रैक्टिस करें तो वो पूरा कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है वो पूरा मालूम हो जाता। प्रैक्टिस नहीं करें तो कुछ भी मालूम नहीं होता। ऐसा ये क्या होता है, अभी क्या पूरा आता है। अभी सिमुलेशन करते हैं, उधर स्टार्ट हो गया पूरा। सेपरेट डिजिटल ऑन करे तो क्या होता, अलग पूरा सेपरेट सेपरेट हो गया। इसको कौन सा कंफर्टेबल है वो एरिया फर्स्ट कर देते, ये है तो पूरा पूरा रन होता। नेक्स्ट इसमें भी दो ऑप्शन है ऐसा, उसमें जैसा बहुत और स्टीप शैलो था, इसमें भी ऐसा है, लेकिन ये इसमें क्या है बहुत रखना पड़ता। सालो है, एक बार सालो रख के करना, फिर एक बोझ रख के करना। ऐसा वाला में कॉर्नर फिनिशिंग ज़्यादा यूज होता, कंपलसरी करना पड़ता कॉर्नर फिनिशिंग। देख सालो है तो ये स्टिप एरिया छोड़ दिया, अभी स्टिप रखे तो 30 डिग्री एक बार निकल निकालेंगे, स्टिप होने के बाद एक बार निकल देंगे उसको धीरे धीरे करके। उसमें क्या ऑप्शन था, ऑटो था, वो अलग आलेंस था और स्टिच था। स्टिप एरिया अलग किया, सेलो एरिया अलग कर दिया। एक बार 30 डिग्री को जीरो कर दें।
प्रैक्टिस करे तो क्या था, माइंड में रहता हूँ ये ऑप्शन इधर है, वो उसको हम कर सकते, यूज करेंगे, ऐसा है। जीरो में पूरा है। कानर कब कैसा कटता है उसका मर्जी। कहा ना डिफॉल्ट के लिए पता है क्या करूँ ना करके ये कैसे कर रहे हैं सर, ऊपर और से कट कंफ्यूज करके हो कट गया करके आ रहे हैं। रीजन जो टॉप पे बाहर है एरिया है ना जिसमें मेटल कम है वो ऐसा कट कर रहे बाहर से डायरेक्ट, नहीं तो डायरेक्ट डाउन होता था ना, ऐसा गए तो भी डायरेक्ट जाके कट टच होता, ऊपर से आए थे डायरेक्ट टच होता ना ऊपर से आना, लेकिन वो क्या हो रहा है कॉर्नर छोड़ के बाकी आउटसाइड एक्चुअली कट करके आ रहे। एक्चुअली ये कैन बोलते हैं कॉर्नर रेडियस हाँ ज़्यादा रहता ना ज्यादा वो है, वो बाहर ऐसा उसका सपोज वो प्रॉब्लम आता है मेटल रिक्वायर्ड है कॉर्नर्स में जो एक्सपांड करना है टूल पाथ हाँ है ना, पॉइंट टू इधर है ना उसको हम पॉइंट एक्सपेंड टू है करे सपोज 1 mm का था। हाँ 1 mm भी आता, वो थोड़ा बाहर आता, ये बाहर आता ये टूल पर थोड़ा एक्स्ट्रा आता, हाँ यस ये बाहर हम जीरो वो कर देना इधर, ओवरलैप सपोज 0.5 1 mm करता वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा। बिफोर एनमिल का एक कॉर्नर रेडियस को बुलन उसके रनिंग हाँ करना जीरो पहले करे तो क्या प्रॉब्लम लोड आता, थोड़ा बाहर से दिया था अच्छा है, पहले इसमें जैसे बाहर से दिया कॉर्नर के लिए ओवरलैप थोड़ा, 1 mm देते भी बहुत आता, कम से कम 3-4 पास आ जाता। क्योंकि हमारा पॉइंट पॉइंट ऑन है तो 1 mm तो कितना 10 पास हो जाता। वो भी कॉर्नर को डिटेक्शन करे तो ये थोड़ा बाहर है ना, कॉर्नर कितना डिटेक्ट करना वो हिसाब से आता, उस टाइप का और कितना सा पॉइंट पॉइंट ऑन है। पहले कम है ना ये टूल पाथ, पहले कम है इधर इधर से, नहीं उतना नहीं है और नीचे है, ऊपर गया अभी थोड़ा ऊपर गया ना ये बाहर थोड़ा आया, वो कॉर्नर को डिटेक्शन करके उतना वो ज़्यादा देते भी उतना इधर तक नहीं आ जाएगा, थोड़ा जस्ट और एक है कॉर्नर, कॉर्नर फिनिशिंग वो सिंगल पास आता। ये कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग सिंगल पाथ ऐसे ऑप्शन सबको इसका क्या, ये कॉर्नर डिटेक्शन करने का टाइम में आ रहा था, इसका कॉर्नर डिटेक्शन ही नहीं है टूल, हम कौन सा टूल लगाए तो वही डायरेक्ट चलते, दूसरे को डिटेक्शन नहीं था, अभी रिफरेंस टूल नहीं है इसको, वो सिंगल पास आता ना रिफरेंस टूल नहीं है, इसका बहुत है चलो स्टेप ऊपर बहुत रखें कैलकुलेट। सर उल्टे करता हूँ टोटो में जैसा पूरा नहीं आया क्योंकि हमारा कॉर्नर डिटेक्शन नहीं है इसका, उसका कुछ कंट्रोल भी नहीं है। ये हमारा एक्चुअली यूज नहीं है, बॉलनस कटर से यूज करता है ये, इसको ये कटर से यूज नहीं करना, ये
चलिए बॉलनट को ट्रैक ले लें, कौन सा है, थ्री बॉल, थ्री ऐसे वाला है तो रन आउट। कैलकुलेट स्टेप पावर है ना, सिंगल पास है, ओनली सिंगल कॉर्नर पावर में खाली चलता। वो डिटेक्शन पर लिमिट्स का स्टैंडर्ड है 165। हाँ ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड आता है, उसको चेंज कर दो एक बार, 180 नहीं लगता हमारे अलग, मैक्सिमम 176 है इसका रेंज, 170 दे सकते, 170 लेते, उससे ज़्यादा नहीं लेते। थ्री बॉल भी नहीं आया, क्यों थ्री बॉल में हो ना, सालों एक बार देखें। R1.5 इसका कॉर्नर बॉल तो कैसे मालूम, वो कॉर्नर रहना ऐसा रेडियस नहीं, जब कॉर्नर रहता ना कुछ रेडियस नहीं रहता, हाँ शार्प एज, एक्चुअल शार्प एज रहना वो टाइम में रहना होता। शार्प एज है तो इसलिए वो कटर ले रहे, ये कटर नहीं ले रहे, बॉल नहीं ले रहे। लेकिन सार पेज रहना, इधर सार पेज है तो वो कट 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 करता, रेडियस नहीं, ओनली सार पेज। पूरा कॉर्नर फेंसिंग हो गया, ठीक है।